सुप्रभा लिविट 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 दलाल स्ट्रीट फाइनल बेल 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मुंबई मस्का मार के मैं ब्रजेश शिवजी वेलकम स्टॉक मार्केट संस्कार ब्रॉट टू यू बाय द अब्दुल साटे ट्रेडिंग एकेडमी इंडिया हाईली रेटेड मोस्ट ऑफ स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अब्दुल जी आज का दूसरा सवाल। हेलो अब्दुल सर, मेरा नाम प्रशांत है और मेरा क्वेश्चन है कि स्टॉक मार्केट में डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस क्या हैं? हेलो प्रशांत, तुम्हें अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है या उसमें एक्सपोजर लेना है तो देयर इज डायरेक्ट वे एंड इनडायरेक्ट वे। पहले इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं। इनडायरेक्टली तुम मार्केट में एक्सपोजर ले सकते हो बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs। अब ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? ऑब्वियसली कोई डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तुम्हें स्टॉक मार्केट रिलेटेड फंड्स में ही डालना है तो तुमको इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा और उसमें भी कई प्रकार होते हैं जैसे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। तो तुम अगर एक डिसेंट अमाउंट है तो उसको इन प्रॉपर प्रपोर्शन तुम अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और कई सारे म्यूचुअल फंड्स तुम्हें ऑप्शन भी देते हैं टू कन्वर्ट फ्रॉम इक्विटी टू डेट एंड डेट टू इक्विटी डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। यानी तुम्हें अगर लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा टॉप हो चुका है, नीचे आ सकता है, तो तुम हमेशा इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड से डेट म्यूचुअल फंड में शिफ्ट कर सकते हो एंड वाइस वर्सा। ETFs इज अनदर ग्रेट वे। ये क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता जो म्यूचुअल फंड की जो रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट वो हम मीट नहीं कर सकते। तो ऐसे सिचुएशन में तुम ETFs बाय कर सकते हो। और अगर तुम्हारा लॉन्ग टर्म होराइजन है, लॉन्ग टर्म व्यू है, तो ETFs आर ऑल्सो गुड वे टू इन्वेस्ट जो ब्रोकरेज के थ्रू आप कर सकते हो। कई सारे ब्रोकर्स होते हैं जो तुम्हें ETFs में इन्वेस्ट करने को अलाउ करते हैं। अब डायरेक्ट वे क्या है? ऑब्वियसली खुद का स्टडी करो और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। उसके लिए तुम्हें सेक्टर एनालिसिस करना जरूरी होगा, यानी कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, किस सेक्टर के कौन से स्टॉक में निवेश करना चाहिए वो तुम्हें जानना होगा। तो खुद का पोर्टफोलियो बनाओ भाई। ऑल द बेस्ट।